Hello students, today I will discuss molecular orbital theory in the chapter of chemical only. Molecular orbital theory tells us about the characteristics of the molecules like their relative bond strength and magnetic behavior. Magnetic behavior, it is paramagnetic in nature or diamagnetic in nature. According to molecular orbital theory, what happens when atoms combine to form a molecule, the atomic orbitals combine and lose their identity and new orbitals are formed called as molecular orbitals. In atomic orbital, electrons are under the influence of one nuclei. But in molecular orbital, the electrons are under the influence of two or more than two nuclei. Okay. Now we will discuss the postulates of molecular orbital theory one by one. Number one postulate of molecular orbital theory is, in molecular orbital theory, when atomic orbitals combine, in molecular orbital theory, when atomic orbitals combine, they lose their identity and form new orbitals called molecular orbitals. Molecular orbitals are the energy states of a molecule in which the electrons of the molecule are filled. Similarly, atomic orbitals are the energy states of an atom. जैसे एटम के अंदर एनर्जी स्टेट्स होते हैं ना, 1s, 2s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, एटम्स के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट्स. अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई. बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर देन टू. दो तो होंगे ही होंगे, जब मॉलिक्यूल बनेगा तो दो एटम तो होंगे ही होंगे. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई और मोर देन टू न्यूक्लियाई. तो एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड सिंगल न्यूक्लियाई एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई. फोर्थ पोस्टुलेट, only those atomic orbitals combining which have comparable energy and proper orientation. For example, 1s can combine with 1s, similarly 2s can combine with 2s, not with 1s or 3s. Comparable energy होनी चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि s orbital different energy shell के combine हो जाएंगे, ठीक है. They should have comparable energies and they should have proper orientation. 2s can combine with 2pz but not with 2px or 2p1. अब इसके लिए मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी. देखिए 2s एंड 2pz, दे आर प्रेजेंट एट सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन. These atomic orbitals can combine because both are present at the same internuclear axis. But अगर हम देखते हैं 2s and 2px or 2py, देखिए इसकी internuclear axis ये है 2s और 2px और 2py. These are the internuclear axes. तो इनका orientation proper नहीं है. तो ये वाले जो atomic orbitals हैं, according to molecular orbital theory, they cannot combine. ठीक है? ये combine नहीं हो सकते. But 2px can combine with 2px can combine with 2px by sidewise overlapping. 2px or
2PY can combine with 2PX or 2PY by sidewise overlapping. तो इनकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है वो पैरेलल है, ठीक है. तो अभी हम नेक्स्ट आएंगे कि जब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस सेम उसमें होती है लाइन में तो किस टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, और जब साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन से टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट की. नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज पोस्टुलेट नंबर 5. द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. सपोज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो टू ही मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 6. व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म टू न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स. जैसे अभी बताया तो जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल कंबाइन हो रहे हैं, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो उनके नाम क्या क्या होंगे. एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ओके, नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट पॉइंट नंबर 7. पोस्टुलेट नंबर 7, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी, एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है. तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन जो है वो कन्फर्म्ड है, ठीक है. तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के फेवर में है, और जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग के एंटी हैं, उल्टे हैं, वो बॉन्डिंग को फेवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर बॉन्डिंग के अंदर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो मोलिक्यूल फॉर्मेशन होगी ही होगी. अगर एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो वो बॉन्डिंग के फेवर में नहीं है, वो एंटी बॉन्डिंग के फेवर में है, तो मोलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है. तो इस तरीके से जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें ये जो पोस्टुलेट है इससे में हेल्प मिलती है कि मोलिक्यूल फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी. तो ये पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब जो बॉन्डिंग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोस्टुलेट नंबर 8. द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स सिग्मा पाई एंड डेल्टा. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हम सिंबल लेते थे ना, 1s, 2s, ठीक है, 2p, फिर d आ गया, f आ गया. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो हम नोटेशंस यूज कर रहे हैं वो है सिग्मा पाई एंड डेल्टा, ठीक है. तो एंड कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो सिग्मा के ऊपर जैसे स्टार लगा दिया, पाई स्टार एंड डेल्टा. तो ये इसको इंडिकेट करने के लिए कि दोनों में वैसे सिग्मा पाई डेल्टा ही है, लेकिन उनको ऐसे ही स्टार ऊपर दिखा के हम बॉन्डिंग और उसके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं. कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है. जैसे सिग्मा बी हो गया तो बी स्टैंड फॉर बॉन्डिंग. अगर हम कुछ भी नहीं यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इट अंडरस्टूड कि ये बॉन्डिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. पोस्टुलेट नंबर 9. सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है. जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, जैसे कि 2px, 2px, 2py, 2py, ठीक है. तो जब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग, अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल देती हूँ. द शेप और टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उनके नेचर के ऊपर, उनके टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पोस्टुलेट के ऊपर जाएंगे. टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हम फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने अभी लास्ट पोस्टुलेट में किया था, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद 1s as एटॉमिक ऑर्बिटल, टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. दीज आर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग. तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं. डायग्राम से देखिए, 1s प्लस 1s, तो जो सिग्मा वाला बन रहा है, बॉन्डिंग वाला बन रहा है, वो बाई एडिशन बन रहा है, और जो एंटी बॉन्डिंग वाला बन रहा है वो बाय सब्ट्रैक्शन बन रहा है. तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, एक ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बना, एक ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बना. तो देखिए ये जो दोनों हैं ये दो न्यूक्लियाई हैं, ये वाले दो न्यूक्लियाई, और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे ये कंबाइन होकर ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है. दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है और इसकी एनर्जी कम है. और इसके अंदर देखिए दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो है.
तो दिस इज नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन है. तो ये जो दो न्यूक्लियाई हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में भाग रहे हैं एक दूसरे से, तो बॉन्डिंग ये फेवर में नहीं करता. ये एंटी बॉन्डिंग जो होता है, ये बॉन्डिंग को फेवर नहीं करता. इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी जो है कम होती है, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. पर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी यही कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 2px एंड 2px. ठीक है, तो ये देखिए, ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा 2px एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कंबाइन होकर दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं. एक है पाई 2px बॉन्डिंग और एक पाई 2px एंटी बॉन्डिंग. तो इसके अंदर देखिए, ओनली वन नोडल प्लेन इज देयर और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है नोडल प्लेन के ऊपर और नीचे बराबर है. तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर ऐसे साइडवाइज ओवरलैपिंग हुई, साइडवाइज ओवरलैपिंग होकर ये बन गया. लेकिन जब वो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है तो साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं हुई है. ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, ये दो नोडल प्लेन है. इस पॉइंट का ध्यान करना, एंटी बॉन्डिंग जो पाई टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, उसके अंदर कितने नोडल प्लेन है, देयर आर टू नोडल प्लेन. पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग के अंदर वन नोडल प्लेन है और उसके दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है. तो ये बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है और यहाँ पर तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो जो भी जो ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ये इनके ये न्यूक्लियाई हैं और इलेक्ट्रॉन जो है भाग रहे हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो एक नोडल प्लेन ये आ गया और एक नोडल प्लेन, तो इसके अंदर ये और ये तो सिमिलर, ये वाला नोडल प्लेन इसमें नहीं है, इसके अंदर है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट जीरो. तो ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग को फेवर नहीं कर रहा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है. ठीक है, तो एक एनर्जी का कंपेरिजन हो गया, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स का हो गया, कौन बॉन्डिंग को फेवर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. तो स्टेबिलिटी, एनर्जी, फेवरिंग बॉन्डिंग और नॉट एंड नोडल प्लेन्स, ये तीन चार पॉइंट्स का आपको ध्यान करना है. तो हम एक दो एग्जाम्पल और करते हैं. अच्छा, एक बात और, जैसे 2px 2px का बनाया, सिमिलर 2py 2py का भी बनेगा. ठीक है, वो सेम ही होगा. अभी हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 2pz एंड 2pz. चार नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2pz एंड 2pz कंबाइन, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो जो कंबाइन हो रहे एटॉमिक ऑर्बिटल, दे आर कंबाइनिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देयर इज नो साइड वाइज ओवरलैपिंग. और जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे, सिग्मा. जब साइड वाइज ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो कौन से बन रहे हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने डिस्कस किए थे. तो इसमें दो टाइप के बनेंगे, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग. ये फेवर नहीं करेगा बॉन्डिंग को, यदि ये दो न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो. तो ये क्या हो गया, ये नोडल प्लेन हो गया. तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं बाय सब्ट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें न्यूक्लियाई के बीच में कम हो रही है, और ये है बाय एडिशन, ये दो न्यूक्लियाई हैं और इनके बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए कितनी ज़्यादा है, और ये बॉन्डिंग को फेवर करेंगे. ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशंस. दीज आर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशंस. नंबर वन, 2pz एंड 2px और 2p1. तो देखिए, दोनों की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी ये ऐसे हॉरिजॉन्टल उसमें है, तो ये वर्टिकल उसमें है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है. ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती. देखिए, 2px एंड 2py इनकी ना पैरेलल है और ना अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है. ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ओवरलैपिंग विल नॉट टेक प्लेस. 2s, 2px और 2py दोनों में से ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो 2s जैसे हम ये कंसिडर कर रहे हैं, इसकी ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते. ठीक है, तो दीज आर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशंस, ये आपको पता होने चाहिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जाता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. अब हम करते हैं लास्ट पोस्टुलेट. लास्ट पोस्टुलेट इज द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स एज दोज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का करते हैं सिग्मा 1 वो 1s2 2s2, सेम उसी तरीके से वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे. ऑफ़ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली और जो अभी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, उनका हम MO कॉन्फ़िगरेशन देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. एंड दैट कॉन्फ़िगरेशन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इज सिग्मा 1s बॉन्डिंग has lesser energy than sigma 1s antibonding, which has lesser than sigma 2s, then sigma 2s antibonding, pi 2px,
for pi 2 pi by t equivalent, which is lesser than sigma 2 pi z bonding, which is lesser than pi 2 pi x anti bonding, pi 2 pi y anti bonding, इन दोनों की इक्वल है, ठीक है, which is lesser than sigma 2 pi z anti bonding, ठीक है, this is MO configuration. Now we will do some examples. Suppose take hydrogen H2 molecule. We will draw MO molecular orbital energy level diagram. Molecular orbital energy level diagram. तो अगर क्वेश्चन में आपसे लिखा है MO configuration, तो आप केवल यही करेंगे. अगर आपसे कहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, डायग्राम बनाना है, तो जो मैं आप बना के दिखा रही हूँ वो आपको फिर डायग्राम बनाना है. ध्यान से लैंग्वेज देखकर क्या देखिए, सबसे पहले एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. तो जब लेवल डायग्राम बनेगा वो लोअर एनर्जी हायर एनर्जी किस तरीके से बनेगा. अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, हम हाइड्रोजन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, 1s यहाँ पर लिखेंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल. ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है. हाइड्रोजन H, दो हाइड्रोजन होते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर बनाया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर बनाया. 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1. ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों तरफ से आए, कंबाइन हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग. क्लियर, ये बॉक्स बना दिया हमने सिग्मा 1s बॉन्डिंग का, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ. तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं. तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, और जो एंटी बॉन्डिंग वाला था ये खाली रहे, वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली हो गया. तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन, और ये एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन. तो हमें क्या इंडिकेट करिए, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, ठीक है. अच्छा, अब देखिए बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, तो बॉन्डिंग फेवर हो रही है, तो जो दोनों हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, हम इसमें इसे ये भी निकाल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा. बॉन्ड ऑर्डर हम बी और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो हाफ ये 2 है, ये 0 है, आ गया 1. तो दोनों हाइड्रोजन के एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा. अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. फार्मूला यही निकालने का, पूरे बॉन्डिंग काउंट कर लो, एंटी बॉन्डिंग काउंट कर लो, हाफ कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ये पैरा मैग्नेटिक है, ये डाई मैग्नेटिक है. अब इसके अंदर देखिए दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों पेयर्ड है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, इसकी देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. हां, नोट डाउन, हाइड्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. नाउ वी विल डू फॉर हीलियम. हीलियम, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 1s2, हीलियम 1s2 सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, ठीक है. दिस इज एमओ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीलियम He2. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2 1s2, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए. बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, हाफ 2 माइनस 2 0 0, बॉन्ड ऑर्डर इज 0.
तो हीलियम एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है, वी कैन फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिया है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन फॉर ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, देयर इज अ लिटिल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये केवल हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन है, हायर के लिए O2, F2 एंड नियोन, ठीक है। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए, सिग्मा 2PZ पहले आएगा, MO कॉन्फ़िगरेशन और O2 is, देखिए सिग्मा माइनस 2, सिग्मा माइनस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px 2, पाई 2py 2, अब काउंट कर लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 15 एंड 16। तो इन दोनों की एनर्जी बराबर है, ठीक है। तो हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप 2px में दो इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा, जो सिग्मा माइनस 2 और सिग्मा माइनस एंटी बॉन्डिंग है, इनको हम के के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये इनर शेल है, के शेल, इनर कोर शेल है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन के लिए तो जरूरी था, ठीक है, बाकी के उसके लिए वी कैन राइट के 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 फॉर मतलब एक ऑक्सीजन का, के फॉर सेकेंड ऑक्सीजन, तो वी यूज टू राइट इट के के, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये तो दो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, ये काउंट कर लीजिए 2 4 2 6 2 8 ओके, एंटी बॉन्डिंग 2 3 एंड 4 2 आ गया। तो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर 2, ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आप देखिए इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरीके से कि ये तो इवन नंबर है, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड ही होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इवन नंबर होते हुए भी इसके अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स में, एक एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी वाई में, एक एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये हाउ विल यू राइट एमओ कॉन्फ़िगरेशन फॉर ओ टू माइनस एंड ओ टू प्लस। जब ओ टू माइनस आया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो एड हुआ है वो कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में से किसी में भी एक में चला जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा O2 माइनस के लिए, O2 माइनस के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन सारा दोबारा लिख सकते हैं, मैं सारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। बस बिल्कुल लास्ट में पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1, बाकी सारा सेम आएगा कॉन्फ़िगरेशन, आप लिख सकते हैं। केवल इसके अंदर डिफरेंस आएगा, ये यहाँ पर आ गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, काउंट कर लीजिए 2 4 2 6 2 8 अभी अभी हमने किया था, माइनस 2 4 एंड 1 5 1.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। अब हम O2 प्लस के लिए करेंगे, pi 2px में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, pi 2py में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो pi 2px एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो अब काउंट कर लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 3 रह गए बस, तो ये आ गया 2.5, बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का आ गया 2.5, ठीक है। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है,
इन ओ टू बॉन्ड ऑर्डर इज टू, ओ टू प्लस बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, ओ टू माइनस बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, विच इज मोर स्टेबल, ओ टू प्लस ओ टू देन ओ टू माइनस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक तो ये सारे ही आएंगे. और ठीक है, दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर तीनों के अंदर, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन अप्लाई फॉर एच टू माइनस, एच टू, एच टू प्लस. सिमिलरली ये एन टू के लिए भी हम ले सकते हैं. तो बेसिक मैंने आपको सारे कन्फिग्रेशन बता दिए हैं, और इस टाइप के एग्जाम्पल फोर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, ठीक है, तो अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हुए भी. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एच टू एल आई टू एंड बी टू, फॉर दीज बॉन्ड ऑर्डर इज वन. तीनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर वन है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सबसे कम है वो, तो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल ऑल्दो द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम इन दिस थ्री केसेस. तो जो कन्फिग्रेशन बताया आप उसको लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखिए. ठीक है, और सिमिलरली यू कैन अप्लाई फॉर अदर एग्जाम्पल्स. Okay, so...